दो दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेड कारपेट, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बार ने किया रिसीव। राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय यात्रा, जयपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल ने की अगवानी, कल विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति का होगा संबोधन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने पर रामलीला मैदान पर विभिन्न संगठनों का प्रोग्राम, बीसी के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत ने किया संबोधित, विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। प्रदेश में 50 पक्षी घरों का होगा निर्माण, 43.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी, 33 लवकुश वाटिकाओं और 17 अन्य स्थानों पर बनेंगे पक्षी घर। पीसीसी में कांग्रेस की कार्यशाला, प्रभारी रंधावा, डोटासरा और पायलट रहे मौजूद, 7 दिन ब्लॉक अध्यक्षों को कार्यकारिणी बनाने के निर्देश। जेपी नड्डा से मिली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों के बीच करीब 1 घंटे हुई बातचीत, राजस्थान के मसले को लेकर हुई चर्चा। कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, लोकसभा कैंप कार्यालय में की जनसुनवाई। सरकार को घेरने को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति, नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रहेगा फोकस, कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा संबोधन, सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 98 आरपीएस अधिकारियों के तबादले, जेडीए प्रवर्तन अधिकारी बदले गए, धर्मेंद्र यादव होंगे मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री योजना, बीकानेर रेलवे स्टेशन से ट्रेन हुई रवाना, 400 वरिष्ठ नागरिकों को कराई जा रही है तीर्थयात्रा। जयपुर के चोमू में निकाली जा रही जन राहत आभार रैली, जगह जगह कांग्रेस नेता कैलाश राज सैनी का किया गया स्वागत, रैली के माध्यम से सरकार की योजनाओं का किया जा रहा है प्रचार प्रसार। दौसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अपहरण प्रहलाद मीणा किया दस्तयाब, 7 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, बैजूपाड़ा थाने का पूरा मामला। मकराना में 2 बाइक सवारों के साथ कुछ युवकों ने रास्ता रोककर की मारपीट, दोनों को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर की भिवाड़ी पुलिस का धरपकड़ अभियान, इनामी बदमाश अमित पातू हेडा को किया गिरफ्तार, आरोपी 6 साल से था फरार। चित्तौड़गढ़ में मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता राशि नहीं देने का मामला, सालवी समाज ने पंचों पर लगाया आरोप, जुर्माना लगाने को लेकर कार्रवाई की मांग। भरतपुर के डीग में सरकारी विद्यालय में जलभराव से छात्र परेशान, आवागमन में छात्रों को हो रही परेशानी, समस्या पर विद्यालय प्रशासन बना मौन। चित्तौड़गढ़ में पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन निकला धन कुबेर, 4 लाख की रिश्वत देते पकड़ा गया था एक्सीएन, घर में सर्च में मिला भारी मात्रा में कैश। कोटा में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, 72 वर्षीय आरोपी को उम्र कैद की सजा, 7 महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट 3 का फैसला। टोंक के देवली में ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारी ने हटाया अतिक्रमण, आम रास्ते पर बाड़े बनाकर किया था रास्ता अवरुद्ध। जैसलमेर के लाठी में चोरों का आतंक, डेलासर आईनाथ मंदिर को बनाया निशाना, दान पात्र के ताले तोड़कर नकदी चोरी, वारदात में से ग्रामीणों में रोष व्याप्त। अजमेर पुलिस का बड़ा फैसला, हार्डकोर कैदियों की पेशी अब होगी ऑनलाइन, भरतपुर के हत्याकांड के बाद लिया निर्णय, जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया। झुंझुनू में ज्वेलरी व्यापारी से 12 लाख की ठगी का मामला, मुकुंदगढ़ पुलिस ने शातिर ठगों से करवाया मौका तस्दीक, ठगों को पैदल ही लेकर मौका तस्दीक के लिए पहुंची पुलिस। कर्नाटक में जैन आचार्य की हत्या के विरोध में डूंगरपुर बंद का आह्वान, सर समाज ने कल डूंगरपुर शहर बंद का किया आह्वान, सकल जैन समाज के बैनर तले निकाली विरोध रैली। अजमेर के पीसांगन में आत्महत्या का मामला आया सामने, अर्जुनपुरा खालसा में रहने वाली एक महिला ने घर में फंदा लगाकर की आत्महत्या।
जोधपुर में बारिश ने की खोली सड़कों की पोल। बीजेस रोड पर गहरे गड्ढों से वाहन चालक परेशान, हादसों को न्योता दे रहे गड्ढे। उनियारा में पत्रकार के साथ मारपीट का मामला। पत्रकार संगठनों ने अलीगढ़ बीडीओ नरेंद्र मीणा के द्वारा की गई बदसलूकी को लेकर जताया विरोध। उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद्र मीणा को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर यात्रियों द्वारा टैक्स चोरी में कस्टम विभाग सख्त। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। पिछले 3 सालों में करीब 70 मामलों में कार्रवाई। 50 से अधिक यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। मुख्य सचिव उषा शर्मा की वीसी को बनेड़ा ब्लॉक के स्थानीय प्रशासन ने नहीं लिया गंभीरता से। शाहपुरा में आयोजित जनसुनवाई के साथ चल रही वीसी में दिखा नजारा, मोबाइल में मशगूल दिखे कुछ अधिकारी। लाखेरी रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली जारी। मजदूर ऑटो टैक्सी वर्कर्स यूनियन ने दिया ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। भीलवाड़ा के बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह पालडी का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने किया निरीक्षण, कर्मचारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चाकसू में कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से हादसा, हादसे में दबने से मजदूर की मौत। कोटखाबदा थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरा गांव की घटना। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे दौसा, महवा गोलीकांड के मामले में दिया बयान, कहा पुलिस गलत बयानबाजी कर रही है, पुलिस दुर्घटना बताकर मामले को रफा दफा करना चाहती है। सीकर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय मदन लाल सैनी की प्रतिमा का अनावरण, पार्टी के कई दिग्गज रहे मौजूद। भरतपुर में सावन मास के चलते देव दर्शन पदयात्रा का आयोजन, मंत्री शकुंतला रावत सहित कई पदाधिकारी हुए शामिल। पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ हुई पदयात्रा। भरतपुर का कुलदीप हत्याकांड मामला, मृतक का हुआ पोस्टमार्टम, पुलिस ने सौंपा परिजनों को शव। श्रीगंगानगर के घड़साना में खुलेआम गुंडागर्दी, दो पक्षों में जमकर विवाद, डंडे और पत्थरों से एक दूसरे पर किया हमला, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बांसवाड़ा में कागदी बांध का जलस्तर पहुंचा 234.40 मीटर, अब महज 1 मीटर ही खाली रह गया। बांध के पानी से पूरी होती है शहर की जलापूर्ति। भीलवाड़ा की बड़ला ग्राम पंचायत में किसान की जमीन पर फर्जीवाड़ा, परिजनों ने कलेक्टर से लगाई गुहार, बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के नामांतरण खोल बेची जमीन। धौलपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। सवाई माधोपुर नगर परिषद द्वारा जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, तांगा स्टैंड पर स्थित दुकानों के सामने से जेसीबी के माध्यम से बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। टोंक में बारिश से प्रशासन की खोली पोल, स्कूल के रास्ते में भरा पानी, ग्रामीणों ने पानी की निकासी की रखी मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के बगरू निवासी बारिश अली ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिले कीमती मोबाइल फोन वापस लौटाया। झुंझुनू के पिलानी में क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, पिलानी चिड़ावा मार्ग पर लगाया जाम, पिलानी थाना अधिकारी की समझाइश के बाद माने लोग, वहीं मरम्मत कार्य भी शुरू। राजसमंद में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कार्रवाई में 2 डंपर, 1 जेसीबी जब्त, पुलिस ने बजरी से भरा 1 ट्रैक्टर पकड़ा। दौसा के सिकंदरा में सच बेधड़क की खबर का हुआ बड़ा असर, 52 पाड़ा रोड पर बने गड्ढों को ठेकेदार ने भरवाया, लोगों ने चैनल का जताया आभार। बाड़मेर में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का प्रयास, बच्ची के चिल्लाने पर परिजन पहुंचे मौके पर, पुलिस को देखकर आरोपी ने की भागने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ का मात्र कुंडिया बांध हुआ ओवरफ्लो, प्रशासन ने बांध के 2 गेट खोल की गई पानी की निकासी। राजसमंद में आजादी के 7 दशक बाद भी बिना सड़क का गांव, आपातकालीन स्थिति में नहीं मिल रही सुविधाएं, गर्भावस्था के दौरान झेलनी पड़ रही है परेशानियां। अलवर के थाना का जिम में देह व्यापार रोकने के लिए दिया ज्ञापन, उपखंड अधिकारी केशव मीणा को ज्ञापन सौंप, उचित कार्रवाई की मांग। लाहा का बास मार्ग पर स्थित कंजर बस्ती का मामला। हनुमानगढ़ की घग्गर नदी में बना बाढ़ का खतरा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से लगातार पानी की आवक जारी, नदी के तटबंध टूटने का खतरा बढ़ा। जैसलमेर के बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज का काम शुरू, 159 करोड़ की लागत से बनेगा कॉलेज, 400 बेड के मेडिकल कॉलेज में होंगे बेहतरीन विशेषज्ञ।
चुरू में 15 वर्षीय नाबालिग से रेप का मामला, पुलिस को मिली सफलता, फरार आरोपी किया गिरफ्तार, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। सिंघाना में स्कूल बस की टक्कर से मजदूर घायल, घायल को सिंघाना सीएचसी में कराया गया भर्ती, सूचना बाद अस्पताल पहुंची पुलिस। सिरोही के रेवदर में अज्ञात वाहन की टक्कर से भालू की मौत, रेवदर उपखंड के दांतराई अनापुर मार्ग पर हुआ हादसा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंची सांसद रंजिता कोहली, बालाजी के दर्शन कर की विशेष पूजा अर्चना, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना। नीम का थाना में खुलेआम बाल श्रम कानून की उड़ रही धज्जियां, नगर पालिका ठेकेदार करवा रहा बाल श्रम, डिवाइडर निर्माण काम पर लगा रखा है बाल मजदूर। जैसलमेर के पोकरण में चोरों के हौसले बुलंद, शहर के निजी बस स्टैंड स्थित ड्राई फ्रूट की दुकान पर चोरों ने छठी बार की चोरी, करीब 30 लाख के माल पर हादसा। उदयपुर के चार भुजा मंदिर में चोरों ने बोला धावा, 6 मूर्ति 8000 की नकदी चोरी करके चोर फरार, पुलिस कर रही फरार चोरों की तलाश। रायसिंह नगर के अनूपगढ़ रोड पर अचानक चलती बस का टायर फटा, निजी बस का टायर फटने से यात्रियों को आई मामूली चोटें, अब बड़ा हादसा टला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया शेखावटी दौरा, कार्यकर्ताओं ने जोशी का किया जोरदार स्वागत, जोशी ने पार्टी हित में कार्य करने का किया आह्वान। पूर्व आईएएस अधिकारी सत्यनारायण सैनी का निधन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताई संवेदना, लेकर डॉक्टर सत्यनारायण सिंह सैनी के निधन पर मेरी गहरी संवेदना है। प्रतापगढ़ के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार ने जिले में 3 पुलिस निरीक्षक 8 उप निरीक्षकों के किए तबादले, 3 पुलिस निरीक्षक का किया गया स्थानांतरण। राजसमंद के मेरेडा गांव में गोमती नदी से पुलिया टूटने के बाद ग्रामीणों की हो रही परेशानी, जान जोखिम में डालकर पुलिया करनी पड़ रही है पार, लगातार बनी रहती है हादसे की आशंका। राजसमंद में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण, लोगों को स्वच्छता के लिए किया जा रहा है जागरूक, पंचायतों में आईईसी गतिविधियां करवाने के आदेश जारी। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में बाइक से स्टंट का वीडियो वायरल, पुलिस थाने के सामने जानलेवा स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सिरफिरे की तलाश में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ के कपासर में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, दरगाह में जियारत करने आया था युवक, युवक ने मौके पर तोड़ा दम। झालावाड़ में भलता थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दुष्कर्म का आरोपी छोड़ा पुलिस के हत्थे, 5 महीने से फरार चल रहा था, पाटली खेड़ा निवासी सुरेश ढील को किया गिरफ्तार। जोधपुर के मथानिया में टोल कर्मी से मारपीट का मामला, टोल टैक्स मांगने पर दी कर्मचारी के साथ मारपीट, आरोपी मालाराम विष्ण लाल के खिलाफ मामला दर्ज, मामले की जांच कर रही पुलिस। करौली में कुएं मिला बालिका का शव, नादौती के भीलापाड़ा रोड स्थित कुएं मिला बालिका का शव, शव को कुएं से निकाला बाहर, शव के शनाख्ती में जटी नादौती थाना पुलिस। कोटा के टाव में साइबर ठग को पुलिस ने दबोचा, कामा भरतपुर निवासी रवि कुमार सैनिक किया गिरफ्तार, एक व्यक्ति के साथ की थी 9 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी। बाड़मेर में फांसी के फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप, पीहर पक्ष ने शव उठाने से किया इनकार, आरोपी गिरफ्तारी की मांग पर पड़ा पीहर पक्ष। दौसा के सिकंदरा में भूखी प्यासी दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर गौवंश, चारे पानी के अभाव में कचरा पात्रों में पड़ी पॉलिथीन खाकर तोड़ रही है दम, सड़क पर बैठने से आए दिन हो रहे हादसे। अलवर के नौगावा हरियाणा बॉर्डर के पास टेम्पो चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कांवड़िया शिव भक्त को मारी टक्कर, मौके पर सभी शिव भक्तों ने करीब 2 घंटे तक लगाया जाम, जिला अस्पताल में इलाज जारी। जयपुर के चोंबू में निकाली जा रही जनराहत आभार रैली, कैलाश राजू कांग्रेस पार्षदों और पदाधिकारियों का मिल रहा है साथ, जगह जगह कैलाश राज सैनी का स्वागत। कोटा में ट्रोले की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में बाइक सवार की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। जोधपुर के सरकारी स्कूल में टीचरों की कमी, गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में ताला बंद कर किया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। पाली के खेड़ली में नगर पालिका का चला पीला पंजा, पुरानी अनाज मंडी में दुकानदारों के हटाए अतिक्रमण, व्यापारियों नगर पालिका की कार्रवाई का किया विरोध, समझाइश के बाद माने व्यापारी।
अजमेर में बेखौफ बदमाश, तीन बदमाशों ने डेयरी बूथ को बनाया निशाना, बूथ का ताला मजबूत होने से टली वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा में चोरों का आतंक, चोरों ने तीन जगह वारदात को दिया अंजाम, दुकानों से लाखों का माल नकदी पार, पारोली थाना पुलिस की। दौसा में दूध के टैंकर ने अज्ञात वाहन को मारी टक्कर, हादसे में दो की मौत, एक व्यक्ति गंभीर चोटें, मामले की जांच कर रही पुलिस। अलवर के कांदोली बाईपास पर बाइक सवार को जीप ने मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर के सरकारी स्कूल मुख्य रास्ते में जल भराव, समस्या का अभी तक नहीं समाधान, आए दिन फिसल कर पानी में गिरते हैं बच्चे, जिम्मेदारों का समस्या पर कोई ध्यान नहीं। पाली के सुमेरपुर में पार्षद का पुतला दहन कर जताया विरोध, लोगों ने तखतगढ़ नगर पालिका बोर्ड पर उठाए सवाल, ढाई साल बीत जाने के बाद भी विकास नहीं।